हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नर्डटॉक शो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट वीक कुछ बहुत ही ज्यादा जबरदस्त मार्वल एंड एमसीयू न्यूज के बारे में। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं अगले हफ्ते होने वाली सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल के पैनल के बारे में। साथ ही अपन बात करने वाले हैं थॉर 11 थंडर के कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट, सोनी यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के अपडेट, मार्वल के इनह्यूमंस, एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया, लोकी सीजन 2 और भी कई अमेजिंग अपडेट के बारे में। चाहे सबसे पहले हम बात करते हैं अगले हफ्ते होने वाली सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2022 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि मार्वल का एक ऑफिशियल पैनल इस इवेंट के दौरान रखा जाना है, जहां कि इस इवेंट में मार्वल के द्वारा किए गए अनाउंसमेंट को लेकर एक हाल ही में बहुत ही तगड़ी लीक सामने आई है। इस लीक के अकॉर्डिंग इस पैनल के दौरान मार्वल के फेस 5 की अनाउंसमेंट की जाएगी, और केवल यही नहीं बल्कि डेडपूल 3, मार्वल के आने वाली एक्समैन, वर्ल्ड वॉर हल्क और भी कई अमेजिंग अपडेट इस पैनल में रिवील की जाएगी। साथ ही ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का भी पहला टीजर सैन डिएगो कॉमिक कॉन में रिलीज किया जाएगा, और ये लिस्ट यहाँ पर खत्म नहीं होती है। इसके अलावा भी कई अमेजिंग चीजें हम इस इवेंट के दौरान देखने को मिलने वाली है, जिन सबको इस वीडियो में बताना तो पॉसिबल नहीं है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो इस इवेंट के मार्वल के पैनल के बारे में एक बहुत ही तगड़ी आर्टिकल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहां पर उसे पढ़ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकी के सीजन 2 के एक छोटे से अपडेट के बारे में। जैसा कि हमें इस हफ्ते लोकी के सीजन 2 से काफी सारे सेट इमेजेस देखने को मिले हैं। इन सेट इमेजेस के अंदर हम लोकी, सिल्वी और मोबियस को देख सकते हैं, जो कि मोबियस एंड सिल्वी के रिटर्न को कंफर्म करता है। कि सारे के सारे सेट इमेजेस आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, आप वहां जाकर इसे कम्प्लीटली देख सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के अपडेट के बारे में। सबसे पहले इसकी प्लॉट अभी हाल ही में इंटरनेट के ऊपर लीक हो गई है, जिस प्लॉट लीक के ऊपर अपन ने कंप्लीट वीडियो बना रखा है। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो हमारी पिछली वीडियो देख सकते हो। एंड इन सब के अलावा अभी हाल ही में डॉक्टर डूम के ऑफिशियल कंसेप्ट आर्ट लीक ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के पोस्ट क्रेडिट सीन से हुई है, जिसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। एंड अल्टीमेटली ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से आयरन हार्ट और भी कई कैरेक्टर्स के प्रोमो आर्ट ऑफिशियली रिलीज किए गए। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं थॉर 11 थंडर के कुछ अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट ये आई है कि इस फिल्म के डायरेक्टर टाइका वाइटिटी ने यह बात कंफर्म किया कि इनिशियली थॉर 11 थंडर 4 घंटे 2 मिनट की फिल्म थी, बट मार्वल स्टूडियोज के प्रेशर के कारण उन्हें फिल्म के अंदर काफी सारे कट्स लगाने पड़े, जिसकी वजह से ये फिल्म 2 घंटे के नीचे आ गई। और मार्वल की तरफ से उन्हें साफ इंस्ट्रक्ट किया गया था कि इस फिल्म को 2 घंटे से कम ही रखना है। अब ऐसा क्यों है, इसका रीजन तो खैर मार्वल वाले ही जाने, बट इसका पॉजिटिव साइड तो नहीं बट इसका नेगेटिव साइड तो हमें डेफिनेटली देखने को मिला है। एंड थॉर 11 थंडर एक इनकम्प्लीट फिल्म लगती है, और केवल यही नहीं बल्कि अभी हाल ही में काफी सारे VFX आर्टिस्ट और कंपनीज ने ये बात कहा है कि मार्वल की तरफ से उन्हें बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है कि अपने काम को अपने लिमिटेड टाइम के अंदर ही कंप्लीट करें, और कई केसेस में अपने टाइम से पहले कंप्लीट करें, जिसकी वजह से वो अपने काम को अच्छे से फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। एंड हेंस हमें मार्वल के फेज 4 के मूवीज के अंदर काफी सारे VFX एंड एडिटिंग मिस्टेक्स देखने को मिल रहे हैं। इन सब के अलावा भी हाल ही में थॉर 11 थंडर से कुछ डिलीटेड सीन्स को रिवील किया गया है, जिन सारे के सारे डिलीटेड सीन्स के ऊपर कंप्लीट वीडियो अपन ने ऑलरेडी बना रखा है। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो उस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया मूवी के कुछ अपडेट के बारे में। तो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की तरह इस मूवी की भी जो प्लॉट है वो ऑनलाइन लीक हो चुकी है। यदि आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो इसका आर्टिकल लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी इसके ऊपर भी अपन काफी डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं। एंड एक और अपडेट कि एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया मूवी के अंदर भले ही कैंग द कॉन्करर विलेन हो, बट अल्टीमेटली उनका जो मेन विलेन है वो बेसिकली मोटोक निकलकर सामने आने वाला है, और फिल्म के एंड तक केवल मोटोक ही ऐसा बंदा होगा जो कि इस फिल्म को सक्सेसफुली सर्वाइव कर पाएगा। जिसके बाद नेक्स्ट एंड फाइनली हम बात करते हैं कुछ क्विक एंड रैंडम अपडेट के बारे में। सबसे पहले तो सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स की मैडम विप की फिल्मिंग स्टार्ट हो चुकी है, और उसके सेट इमेज से पता लगा है कि ये फिल्म बेसिकली 2000s ईयर में सेट होने वाली है, जिस टाइम पे हमारे टॉबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन यूनिवर्स चल रही थी। कुछ कास्टिंग के अपडेट के बारे में बात करें तो अभी हाल ही में ये न्यूज सामने आई है कि कियानू रीव्स वो बहुत ही जल्द एमसीयू को ज्वाइन करने वाले हैं, और केवल वही नहीं बल्कि जेसन स्टैथम और एंटनी स्टार जैसे कुछ बहुत ही बड़े एक्टर्स वो भी काफी जल्द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को ज्वाइन करने वाले हैं। चाहे कि एंटनी स्टार यानी कि हमारे बॉय से होमलैंडर को लेकर ये रूमर है कि वो आने वाले ब्लेड फिल्म के अंदर ड्रैकुला किंग को प्ले कर सकते हैं। अगली अपडेट के अकॉर्डिंग हमारे रूसो ब्रदर्स, जिन्होंने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसे मूवीज को डायरेक्ट किया है, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है मार्वल के आने वाले एवेंजर्स फिल्म सीक्रेट वॉर को डायरेक्ट करने के लिए। मिस मार्वल से इस हफ्ते काफी सारे बिहाइंड द सेट इमेजेस रिलीज किए गए, जिन सारी इमेजेस को आप लोग हमारे टेलीग्राम के ऊपर देख सकते हो। वहीं पर इटर्नल्स 1 मूवी के डायरेक्टर क्लोए ज़ाओ ने ये बात कंफर्म किया कि वो मार्वल स्टूडियोज के साथ अब इटर्नल्स के सीक्वल के ऊपर ऑफिशियली काम कर रही है। जिसके बाद आज का हमारा फाइनल अपडेट मिस मार्वल से है, जहाँ की अभी हाल ही में मिस मार्वल की सीजन 1 खत्म हुई, जिसके साथ ही द मार्वल्स यानी कि कैप्टन मार्वल 2 के डायरेक्टर
निया डोकोस्टा ने ये बात रिवील किया कि जो सीन हमने मिस मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा है वो वास्तव में मिस मार्वल की नहीं बल्कि ये सीन एक्चुअली निया डोकोस्टा ने कैप्टन मार्वल 2 यानी कि द मार्वल्स के लिए शूट किया था। पर इस सीन को हमारे केविन फाइगी एंड मार्वल स्टूडियोज मिस मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन में यूज करते हुए द मार्वल्स की हाइप को और भी ज्यादा बढ़ाने का काम किए। तो इसके साथ ही हमारी आज की सारी अपडेट यहाँ पर फाइनली समअप होती है। कोई छोटी मोटी अपडेट्स रह गई हो तो मिल जाएगा आप लोगों को हमारे टेलीग्राम के ऊपर, जिसका ज्वाइनिंग लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो इस वीडियो को अपने यहाँ पर करते हैं एंड और मिलते हैं काफी जल्द अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।